तो अब निधि रूल्स में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 आज आ गए हैं, यानी कि वो 20 अप्रैल को ही लॉन्च हुए हैं और आज ही वो पब्लिश हो गए हैं, जिसमें काफी सारी चीजों के बारे में प्रोविजन आए हैं और मेनली प्रोविजन आए हैं NDH-4 के रिगार्डिंग। अब NDH-4 हमें काफी इजी तरीके से अप्रूवल मिल जाएगी NDH-4 की, और उसको देखना है। तो दोस्तों, जो पहले वाला एक्ट था, पहले वाले एक्ट में हमें स्टार्टिंग में जब हम निधि कंपनी रजिस्टर करते थे तो 5 लाख की पेड अप कैपिटल रखना जरूरी होता था और विद इन 1 ईयर उसको 10 लाख की नेट ऑन फंड करना जरूरी होता था, 200 मेंबर करना जरूरी होता था और डिपॉजिट का रेशियो जो होता था 1:20 हो सकता था, यानी कि आप 1 करोड़ रुपए के नेट ऑन फंड में 20 करोड़ तक का डिपॉजिट ले सकते थे और आपको 10% अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट, यानी कि 10% ऐसा डिपॉजिट जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, वो रखना जरूरी होता था। डिपार्टमेंट ने इस बात को समझा कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो निधि रूल को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसने दोस्तों निधि रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसने डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बिठाई और कमेटी से बोला कि आप इस चीज को देखिए और इसमें क्या किया जा सकता है, इस बात को समझिएगा। तो यहां पर मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 से 2019 तक 10,000 से ज्यादा निधि कंपनी रजिस्टर हुई है और उनमें से सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2300, यानी कि 2300 निधि कंपनी ने ही अपना NDH-4 फाइल किया है, और जो 2300 कंपनियों ने भी फाइल किया है उन्होंने भी सही से फाइल इसको नहीं किया है, यानी कि उन्होंने भी पूरे के पूरे कंप्लायंसेस यहां पर नहीं किए हैं। इट हैज बीन नोटिस्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ फॉर्म NDH-4। NDH-4 जब एग्जामिन किया गया, उसको चेक किया गया, दैट कंपनी नोट हैव नॉट बीन कंप्लाइंग विद द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड निधि रूल्स 2014 एज अमेंडेड। तो क्योंकि निधि कंपनी में क्या होता है दोस्तों, पब्लिक का पैसा लगा हुआ, यानी जो भी मेंबर हैं उनका पैसा लगा होता है। इट हैज बिकम इंपॉर्टेंट दैट बिफोर बिकमिंग इट्स मेंबर वन मस्ट एंश्योर डिक्लेरेशन ऑफ ए कंपनी एज निधि बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टुवर्ड्स दिस फ्यू नेसेसरी और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन दिस रूल हैव बीन कैरिड आउट। यानी कि दोस्तों अब ये कर दिया गया कि पब्लिक का जो डिपॉजिट लग रहा है उसको सेफ गार्ड, उसको सेव करने के लिए जो भी कोई पर्सन निधि कंपनी का मेंबर बनेगा तो वो कम से कम ये चेक करे कि ये निधि कंपनी अप्रूव्ड है, यानी कि इसने NDH-4 फाइल किया था और इसका NDH-4 अप्रूव हो चुका है। तो हर एक मेंबर को ये देखना चाहिए, अगर वो इस तरीके से देखेगा, चेक करेगा, तो उसका जो फंड है, वो डिपॉजिट लगा हुआ है, उसका डूबने के चांसेस कम से कम यहां पर हो जाते हैं। तो दोस्तों इन वाले रूल में हम देखेंगे कि क्या नई चीज आई है। तो अब जो भी निधि कंपनी नई रजिस्टर्ड होंगी, कोई भी, क्योंकि निधि जो होती है पब्लिक कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि विद शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, यानी कि दोस्तों अब हमें जो भी निधि कंपनी रजिस्टर करनी होगी उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 लाख रुपए होनी चाहिए। नीड फर्स्ट गेट इट सेल्फ डिक्लेयर्ड एज निधि फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट बाई अप्लाइंग इन NDH-4 विद ए मिनिमम मेंबर 200, नेट ऑन फंड 20 लाख, विद इन 120 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों जब भी, अब आज के बाद में जो भी निधि कंपनी हमारी रजिस्टर होगी उसको क्या करना है, एक तो जब हम रजिस्टर करेंगे तो 10 लाख की पेड अप कैपिटल उसकी होनी चाहिए और विद इन 4 मंथ, यानी कि 120 दिन में जो टोटल मेंबर है 200, उसको 120 दिन में ही कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि पहले ये था 1 साल का टाइम था, लेकिन फिर भी जब हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में NDH-1 फॉर्म फाइल करते थे तब भी थोड़ी दिक्कत आती थी। तो बाकी सारे जो फॉर्म है निधि के वो अब रिवाइज हो जाएंगे, उनका जो चेंज कर दिया जाएंगे, क्योंकि अब NDH-4 हमारा पहले ही अप्रूव हो गया है, नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट हमारी पहले ही हो जाएगी, 200 मेंबर की रिक्वायरमेंट हमारी पहले ही हो जाएगी और 10 लाख का नेट ऑन फंड हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पेड अप कैपिटल चाहिए। तो आप बेटर है कि जब भी आप निधि कंपनी में रजिस्टर कराने जाते हैं तो आपकी ऑथराइज कैपिटल आप 20 लाख ही रखिए, ठीक है, और पेड अप आप 10 रखिए स्टार्टिंग में, और विद इन 4 मंथ आप उसको पेड अप को इंक्रीज करके 20 कर दीजिए, तब आप ये कर सकते हैं। और दोस्तों प्रोमोटर और डायरेक्टर जो है फिट एंड प्रॉपर पर्सन यहाँ पर होने चाहिए, तभी वो निधि कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि काफी सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर बन गए होते हैं किसी भी कंपनी में या फिर LLP में या फिर निधि कंपनी में ही, और वो फिर से बिना किसी कंप्लाई किए हुए, बिना अपने ऊपर जो लाइबिलिटी है उसको चुकाए बिना फिर से किसी और निधि नई निधि कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं। तो अब जो भी प्रोफेशनल कंपनी बनाएंगे वो सर्टिफाई करेंगे कि ये जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन है, इन्होंने कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं किया हुआ है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों मेन बेनिफिट जो यहाँ पर है वो है टाइमली डिस्पोजल, यानी टाइमली अप्रूवल ऑफ NDH-4। अब हमारे NDH-4 जब भी हम फाइल कर देंगे विद इन 45 डेज अप्रूव करने होंगे गवर्नमेंट को, या तो अप्रूव करने होंगे या फिर कोई फर्दर डिटेल मांगनी होंगी कि भाई रिसबमिशन आ जाएगा कि भाई हमें ये डिटेल और चाहिए, ये डिटेल आपने सही से मेंशन नहीं किया है। तो अगर 45 डेज में या तो अप्रूव हो जाएगा या फिर हमारा रिसबमिशन आएगा। अगर 45 डेज में कुछ भी रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि हमारा NDH-4 अप्रूव्ड हो गया है,
अप्रूवल वुड बी डीम्ड एज अप्रूव्ड, यानी कि अप्रूवल मान ली जाएगी कि भाई अप्रूव हो गया है और हमें लाइसेंस मिल गया है। अब दोस्तों काफी बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोविजन रहेंगे, ये जो रूल आएंगे, जो अभी हमारी निधि कंपनी रजिस्टर हुई है 4 दिन पहले 10 दिन पहले, क्या उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे? तो दोस्तों इस बात को यहाँ पर क्लियर किया गया है इस वाले रूल्स में ही, दिस वुड अप्लाई फॉर सच कंपनीज विच शैल बी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022। तो जो कंपनी निधि अमेंडमेंट रूल 2022 के बाद में रजिस्टर होंगी उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। जो निधि कंपनी पहले ही रजिस्टर हो गई है उनके जो एनडीएच फोर होंगे पहले वाले निधि रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस होंगे। और इससे दोस्तों हमें यह भी फायदा मिल गया क्योंकि जब भी हम एनडीएच फोर फाइल करते हैं और काफी सारे लोगों के अभी रिजेक्ट भी हुए हैं, तो काफी सारों में तो सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था कि आपका एनडीएच वन लेट फाइल हुआ है, आपका एनडीएच थ्री लेट फाइल हुआ है, आपका एनडीएच फोर लेट फाइल हुआ है, आपने अनकंपेयर डिपॉजिट का क्राइटेरिया मीट नहीं किया है। तो अब हम उस सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मान लो वो हमारा अभी भी लेट हो रहा है और एनडीएच फोर तो हमारा पहले अप्रूव हो चुका है, तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है फ्यूचर में। फ्यूचर में हम एनडीएच थ्री वगैरह लेट भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम दोस्तों आने वाली यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया है। अब जो भी नए मेंबर बनेंगे उनकी ये ड्यूटी है कि भाई वो चेक करें कि ये कंपनी जो भी नई निधि कंपनी है वो एक तो 120 दिन से पुरानी हो, तभी वो प्रेफर करें उसमें बनने के लिए। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के 200 मेंबर होंगे इनको तो भाई बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 200 नहीं होंगे जब तक तो एनडीएच फोर के लिए हम अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 200 तो चेक कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन कंपनी उनको बताएगी कि हम 200 का क्राइटेरिया मीट करने हैं और जैसे हमारे 200 120 दिन में हमें करने हैं उसके बाद में हम क्या करेंगे एनडीएच फोर अपना अप्लाई करेंगे। और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि 145 दिन में एनडीएच फोर हमारा प्रोसेस करेगी, अप्रूव करेगी। अगर नहीं प्रोसेस करती है, नहीं अप्रूव करती है, तो वो ऑटो अप्रूवल हो जाएगा भैया, वो मान लिया जाएगा कि अप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों ये काफी ये तीन मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर थी। एक तो एक निधि कंपनी जो भी रजिस्टर होगी 10 लाख की पेड अप कैपिटल अब स्टार्टिंग में चाहिए और उसको 120 दिन में अपना एनडीएच फोर फाइल करना है। और जब एनडीएच फोर 120 दिन में फाइल करेगी तो दो और लिमिट यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। एक तो 200 मेंबर होने चाहिए और एक नेट ऑन फंड दोस्तों 20 लाख रुपए का होना चाहिए। नेट ऑन फंड में क्या क्या आता है? नेट ऑन फंड में दोस्तों हमारा पेड अप कैपिटल आती है और हमारा प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट। और जो कंपनी के प्रमोटर एंड डायरेक्टर हैं वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है टाइमली डिस्पोजल होगी, यानी कि जो एनडीएच फोर हमारा टाइमली वो प्रोसेस होगा। जब भी हम फाइल करेंगे 45 दिन के अंदर अंदर वो अप्रूव हो जाएगा, नहीं अप्रूव किया तो वो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। और ये जो रूल अप्लाई होंगे जो इस रूल के अमेंडमेंट रूल आने के बाद में जो कंपनी बनी है उसके ऊपर ही अप्लाई होंगे। तो मेरी सजेशन है अगर आप अभी निधि कंपनी बनवाना चाहते हैं तो अपनी कैपिटल ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रखें, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे और सही से कर पाएंगे। तो दोस्तों और भी हमारी काफी सारी वीडियो इस टॉपिक पर आएंगे कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन कैसे होना चाहिए, मेंबर किस तरीके से बनाएं।